सीधी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि इलाके में जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल की देन है, भाजपा तो सिर्फ चुनाव के समय विकास की बातें करती है। सिंगरौली जिले में कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल देवसर चितरंगी मांडा बरगवा लंघा डोल मोरवा परसोना में कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क किया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कमलेश्वर पटेल ने नेताओं से अपने पक्ष में मतदान के लिए जनता के बीच जाकर पार्टी की नीति रीति व राहुल गांधी का संदेश पहुंचाने की अपील की। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि आज जिले में जो भी माइनिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, एयरपोर्ट है, सब कांग्रेस की देन है। जिस तरह से दस वर्षों में केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ, किसानों के साथ, शिक्षित बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति हो, पत्रकार जगत के लोग हो, सबकी आवाज को दबाने का काम किया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से परेशान है लोग, सब वैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं, कोई सच बोल नहीं सकता है। आज लोकतंत्र बचाने का ये चुनाव है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीधी संसदीय क्षेत्र में 3 बार यहाँ से सांसद हुए, पर अगर उनका कार्यकाल देखिए और उनके अगर कामों की समीक्षा करिए तो एक राष्ट्रीय राजमार्ग जो कांग्रेस की एक सरकार जब कमलनाथ जी केंद्रीय मंत्री थे, हम लोगों ने जो इंदौर से सीधी सीधी से सिंगरौली स्वीकृत कराया था, आज आप समझ सकते हैं सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या दुर्दशा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।